नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। कंगना रनौत एक के बाद एक कई फिल्मी सितारों से जुबानी जंग करने की वजह से चर्चाओं में। हाल ही में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को अपने निशाने पर लिया। कंगना ने उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था। कंगना के इस बयान पर बवाल मच गया, जहां कई स्टार्स के इस बयान की आलोचना कर उर्मिला का पक्ष ले रहे हैं। वहीं हाल ही में कंगना ने कहा है कि उर्मिला मातोंडकर ने उनको प्रोस्टिट्यूट और रुदाली कहा था। उस समय किसी ने भी इस बारे में आपत्ति नहीं जताई थी। कंगना रनौत ने यह दावा ट्विटर पर किया। दरअसल ट्विटर पर एक महिला ने कंगना रनौत के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था। एक महिला यूजर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है, तुम्हारा नारीवाद उस समय कहाँ चला गया था जब उर्मिला ने मुझे रुदाली और प्रोस्टिट्यूट कहा था। तुम्हारे जैसे फर्जी नारीवादी पूरे नारी समाज को शर्मसार करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि एक इंसान का सिर्फ भौतिक शरीर नहीं होता, बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक शरीर भी होता है। दुष्कर्म सिर्फ शारीरिक संबंध से नहीं होता। तो देखा आपने, कंगना ने इस महिला यूजर के साथ साथ उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो लोग उर्मिला पर दिए कंगना के बयान की आलोचना कर रहे थे। बताते चले कि हाल ही में कंगना ने ड्रग मामले में बॉलीवुड की पोल खोली थी और कहा था कि 99% बॉलीवुड में ड्रग का सेवन होता है। इसके अलावा कंगना ने हाल ही में जया बच्चन के थाली वाले बयान का भी करारा जवाब दिया था, जिसके बाद उर्मिला ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूरा देश ड्रग्स के खतरे का सामना कर रहा है। क्या उन्हें पता है कि जहां से वो आती हैं, यानी हिमाचल प्रदेश, खुद ड्रग्स का एक गढ़ है। कंगना को सबसे पहले अपने राज्य से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय चिल्लाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। कुछ लोग पीड़ित कार्ड खेलते हैं और विफल रहने पर वो महिला कार्ड खेलने लगते हैं। उर्मिला की यही बातें कंगना को नागवार गुजरी और वो लगातार उन पर तंज कस रही है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि रुदाली और प्रोस्टिट्यूट वाली बात पर उर्मिला कैसे रिएक्ट करती है।